अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। तो देखो, अल्लाह की रहमत आ गई है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंडा बहुत मौसम बना हुआ है, और घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं आप लोगों को चलो दिखाती हूँ, बेबियों के साथ मिलाती हूँ, और बारिश में कैसे वो नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो चलो हम चलते हैं बच्चों के पास। ये बेबी जो है, ये नानों के घर में आए हुए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि ये इधर बारिश हो रही है, बीच में ये घूम फिर रहे हैं। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये जो छोटी सी है, ये और भी जो है ना शैतानियाँ कर रही है। अभी देखो, इसके ऊपर बारिश गिर रही है तो ये रुक गई है कि मेरे ऊपर बारिश आ रही है। आज 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 जहान आप ना करो, जहान का मकसद है कि चलो हम गाड़ी में बैठें तो बाहर चलें। ये नूर हरम भी आई हुई है, दूसरे भी और गेस्ट आने वाले हैं। ये जो है, जैसे ही मेरी खराब बेचारी आई है कल, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अभी थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो बच्चे उसके बारिश में निकले हुए बाहर। ओ ना करो, ये यो ओ ना करो बेटा, ना करो। ये देखो, कल मोटरसाइकिल का एक स्टैंड है, कल भी जो उसके ऊपर चढ़ रहा था तो मोटरसाइकिल स्लिप हो गया, आज फिर कोशिश कर रहा है कि मैं हाँ। उसकी मम्मा कह रही घर में मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता है, इसलिए ऐसे इधर भी कर रहा है। तो इधर इसका एक स्टैंड बच्चों ने तोड़ दिया है, तो वो ऐसे इसका गिरने का खतरा है। वो छोटी जो है वो इधर गार्डन में जा रही है घूमने के लिए, उसके पाँव में वो लग रहा है, तिनका लग रहा है, तो कैसे कर रही है ये देखो। क्या हुआ है? क्या हो गया मेरे बेबी को? क्या हो गया मेरे बेबी को? ये अपना खाना खा रही है, मुंह में पॉपकॉर्न डाले हुए हैं तो वो गले में लग रहा है। ये अपनी मस्तियाँ कर रही है, अपनी मर्जी से खेल रही है, घूम रही है। अजहान जमान अजहान, तुम्हारी बहना किधर है? वो देखो बारिश में जा रही है जी, छोटी छोटी बारिश हो रही है, बच्चों के लिए भी अच्छा मौसम बन गया। या ये बहन को या बोलता है या हाँ या वो देखो आराम से बैठ गई है, बारिश में ना आ रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो ये खुश हो रहे हैं बच्चे कि आज गर्मी जो है ना वो तो कुछ कम हुई है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बारिश जो दे रहा है खैर खरियत से हो, बारिश हो, ठंड जो है वो भी खरीत से, कोई ऐसा ना हो कि जैसे वो सलाब वगैरह आ जाते हैं फिर कितनी प्रॉब्लम बन जाती है। सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो हमारे घर के बाहर पानी बहुत खड़ा, मैं ना पहले ड्रीम देख रही हूँ कि मैं ना कोई दरिया देख रही हूँ। जब मैं सुबह बाहर निकली हूँ तो हमारे बारिश जैसी हुई है ना, पानी बहुत है, ये गेट में खड़ा था, तो मैंने कहा इसलिए मुझे पता नहीं ये जो ख्वाब आया ये ऐसे था। ये देखिए सुबह बहुत ज़्यादा खड़ा था पानी। जहान बाहर जा रहा है, जहान घूमने के लिए जा रहा है, जाने दो, चल अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। जहान को थोड़ा सा मौका लगना चाहिए, जहान उसी वक्त जो है ना बाहर घूमने शुरू कर देता। वो देखो पानी थोड़ा सा खड़ा, वो कैसा, वो पानी के साथ क्या कर रही है। ऐसे जी बच्चे जी बहुत खुश हो रहे हैं, इन लोगों के लिए तो ये पानी जो है ना बच्चों के खेलने वाली जगह होती है, बच्चे खेलते हैं। वो उधर देखो, ये इधर टूटी लगी है, उसके पाँव में थोड़ी सी मट्टी लगी, वो अपने पाँव धोने लग गया। ये अच्छा ना करो जहान, बेटे नहीं करो ना। चलो आ जाओ, चलते हैं अंदर, चलते हैं, चलो अंदर चलें। अभी ये देखो इसको पानी में, क्योंकि बच्चों को तो पानी के साथ पहले ही बहुत प्यार है। ये देखो पानी खोल, हाँ उसने वो टूटी खोल दी है, क्योंकि ये बच्चों की जी हरकतें हैं, बच्चे हरकतें अपनी ही हैं, ऐसे करते हैं। मैं जहान को बुलाऊं जी? आज कल मुहर्रम आ रहा है, फर्स्ट मुहर्रम है, तो अल्लाह ताला सब के ऊपर खैरियत रखे, सबको नमाज दुआ पढ़ने की तौफीक दे। तो ऐसे कल का दिन भी ये देखो आ गया है, ऐसे दिन गुजरते जाते हैं, ज़िंदगी कम होती जाती है, दिन ऐसे गुजर जाते हैं, ज़्यादे रह जाती हैं, दिन जो है वो गुजर के ख़त्म हो जाते हैं। चलो जी जहान को लेते हैं, जहान की मम्मा को जी कल जी बहुत उसकी तबीयत ख़राब होगी, उसको उल्टियाँ आनियाँ शुरू हो गई हैं, डायरिया हो गया, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, थोड़ी सी आज तबीयत तो बेहतर है। तो ये बच्चे जो हैं ऐसे हमारे साथ ही खेल रहे हैं, थोड़े से हमारे साथ अटैच होते हैं, कभी जो सोते अपनी माँ के साथ ही हैं उसको बहुत तंग कर रहे हैं। चलो इधर आओ, क्यों शोर कर रही हो? ये अकेली रहेगी अभी जी मार रही। क्या हुआ एजल, किधर जा रही हो? एजल को पानी चाहिए ना। ओ ओ क्या हुआ है?
इधर शोर शराबा कर ही अपना है। इसको बारिश की मस्तियाँ लगी हैं कि बारिश गिर रही तो खुश हो रही, छोटी छोटी बारिश गिर रही है पानी है, ये अपनी मस्तियाँ कर रही है जी। ये घर में जैसे हमारे लेमन है वो तोड़ के बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, और हरे भरे खेत जो हरे भरे हो गए हैं जैसे ही बारिश हुई है। ये हमारा एक दरख्त है वो चील की लकड़ का, ये बेचारा इधर क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, ये सर्दियाँ जिधर होती हैं उधर सही रहता है। इस दफ़ा इतनी गर्मी पड़ी है ना, ये देख रहे हैं हमारा दरख्त ये सूख गया है। इधर जो है मौसमियाँ लगी हुई हैं, ये भी आपको दिखा दूँ, ये सर्दियों का जो माल है। इस दफ़ा जैसे आंधियाँ चली हैं तो बूर बहुत गिर गया है, इस दफ़ा मौसमियाँ बहुत कम लगी है। ये ऐसे है जी, आज मेरा प्रोग्राम था कि मैंगो तोड़ेंगे, बच्चे आए हैं जो घर में पैर डालेंगे, डाल के तो बच्चे सारे जो है ना ये घर का फल खाएंगे, तो मेरा ये प्रोग्राम था। तो आज जो है ना सुबह के 4 बजे की बारिश होने लगी है। इधर ये हमारा ये छोटा सा गार्डन में ये फुहारे वगैरह लगे हुए हैं, ये छोटा सा बनाया हुआ है एक डेकोरेशन समझ लें, तो इसमें भी वो बारिश का पानी खड़ा हो गया। अभी थोड़ी देर में मोटर चला के ये निकालेंगे। तो ये सारे दरख्त जो है ना वो हरे हरे हो गए हैं, ये नीचे से गार्डन जो है वो भी घास लगा हुआ वो भी बहुत खूबसूरत हो गया। तो ऐसे ही बारिश हुई है तो जैसे ही बच्चे खुश हो रहे हैं ऐसे हर चीज़ जो है ना दरख्त वगैरह तो आगे पीछे ये खुश हो रहे हैं कि हमें बारिश मिल गई है। बाहर सुबह सुबह हमारे साथ एक प्लॉट खाली है तो उसमें मेंढक जो है ना बहुत आवाज़ें निकाल रहे हैं, अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसे वो भी खुश हो गए हैं कि बारिश आ गई। तो हम चलते हैं अभी अंदर, अंदर चल के इधर जी खाने की होगी हमारी तैयारी, काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं घर में तो खाना लगाना शुरू कर दिया टेबल पे, उधर नहीं जा रहा है, फिर उधर बच्चे गिराते हैं, बच्चे भी हैं साथ का। आपने खा लिया है? ये जो बच्चा है ना ये बहुत तंग कर रहा था, इसको सबसे पहले भूख लगी, इसने खाना खा लिया। सलाम लो मेरे विवेक के साथ, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, है? बात करो ना कोई, खाना खा लिया आपने? चावल खाए हैं आपने? हैं मज़े के बने हैं? चलो मम्मा को भी बुला के लाओ, उसको बोलो आओ आप भी खा लो। चलो मिनाहिल वो इधर, वो दूसरा भी वो ना वो भी इधर कर लो। ये जो छोटा सा ना ये छोटा सा बिल्ला, ओ मानो बिल्ले, ओ बिल्ले बिल्ले, ये अपना नाराज हुई है कभी खाना खा रही है, इधर ले आओ। चलो खाना सारा लगता है फिर हम देखते हैं। ये जी रोज़ खाना लगा रही है, खाना लगाती लगाती किसी को साथ और भी लगा लो ना, आप अकेली ला रही हो। किसी को नूर आराम आप ही साथ लगो ना, आप ही साथ आओ मानो बिल्ली, इधर आओ मेरे विवेक के साथ सलाम लो, मानी बिल्ली भी आई है। अच्छा अभी तक खाना जो है सारा पूरा नहीं हुआ, ये चनों वाला पुलाव बना हुआ है साथ रहता है, ये दोनों टेबलों में है खाना जो है, मेहमान काफ़ी आए हुए हैं तो खाना जो है ये रेडी है। अभी रोटियां जो है वो पता नहीं नान मंगाए रोटियां वो आने वाली हैं, वो भी अभी आ प्लेट पकड़ना बढ़िया। क्या हुआ अभी जी? इकरा की और उसकी बेटी की बर्थडे एजल की, तो ये छोटा सा ऐसे तो आज जैसे मुहर्रम है दिल तो नहीं कर रहा था, ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि हमने कोई इतना नहीं किया आराम से ऐसे काट के, आज पहला मुहर्रम है, आज 7 है, अच्छा अच्छा। चलो जी मेरे से गलत फहमी होगी, मैंने कहा मुहर्रम है, मुहर्रम तो शुरू तो हो ही गया, तो ये बच्चे सारे आए हैं बैठे हैं साथ जी, ये केक बर्थडे का काटने लगे हैं। ये मौलवी साहब हैं, ये मौलवी साहब जो है ना अपनी दाढ़ी छुपा रहे हैं। किधर है मम्मा, किधर है तुम्हारी मम्मा, किधर है? चलो जी अभी काटते हैं केक है, कहते हैं जी नहीं हुआ,
ये मुहर्रम अभी सुबह शुरू है तो इसलिए ऐसे संकट ठीक करना लगी है। जो 10 मुहर्रम के बाद जो है ना वो धूम धड़के के साथ करेंगे, फिर वो अच्छा अच्छा जहान की भी है और ये कह रही है कि 18 को फिर खाना भी देगी बाहर, फिर इंशाल्लाह 18 को करेंगे। तो इसके साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करूँगी, गेस्ट काफ़ी आए हुए हैं तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ब्लॉग बनाऊँगी फिर वो आप लोगों के साथ जो भी बात होगी शेयर करूँगी। आप ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये भी इसकी भी बात सुन लो। मेरे टिकटॉक पे कोई कुछ कर दो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, इतनी बात। चैनल है, चैनल इसका है नहीं है तो ये ड्रामा बनाता रहता है, इसकी मम्मा ने डिलीट कर दिया है तो ये बस ऐसे अपना ठरक पूरा करता है। बहुत बड़ा ठरकी है। हाँ जी ये ही ना, अभी इसका है नहीं है ब्लॉग तो ऐसे कहता मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो। है? चलो जी इसके बाद मैं बंद करने लगी। इसके साथ हम लोग कमेंट करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़।